हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट टू को पढ़ रहे थे डिटेल में, जिसका नाम था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 7 होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले के जितने भी लेक्चर थे मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैंने हाइब्रिडाइजेशन करा दिया है, 6 मतलब लेक्चर नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में मैंने उसके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, SP, SP2, SP3 हाइब्रिडाइजेशन को करा दिया है। और आज क्लास नंबर 7 होने वाली है, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के कुछ और टाइप्स को देखेंगे, जो कि SP3D है, SP3D2 है, SP3D3 है। ठीक, इसको डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हुए चलिएगा, नोट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी उतना आप लोग लिखिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किसी भी वीडियो में किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ जो बीएससी में है फर्स्ट सेमेस्टर में, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो में बताया हुआ है कि यूनिट 2 से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आज हम लोग 4th हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि SP3D हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एस का ऑर्बिटल, 3 पी का ऑर्बिटल और 1 डी का ऑर्बिटल, जब इन दोनों मिक्स होते हैं तो नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी एनर्जी तो सेम होती है। इसी को हम लोग SP3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। बाकी अगर SP2, SP3, SP देखना चाहते हैं तो आप क्लास नंबर 6 देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उससे भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और जो इससे मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल जो कराने वाले PCl5, XeF2 वाले, SF6 वाले, ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में भी आए हुए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में इसको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, कराती हूँ। ठीक, SP3D हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि एक S का ऑर्बिटल, 3 P का ऑर्बिटल, 1 D का ऑर्बिटल में करके 5 ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि 3 ये 4 5 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, और उसी को SP3D हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वेन 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू गिव 5 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी are known as SP3D hybridization। ठीक, जब एक एस का ऑर्बिटल, 3 पी का ऑर्बिटल, 1 डी का ऑर्बिटल एक साथ मिक्स करके 5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, SP3D हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका शेप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका? बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और 120 डिग्री। ये एक ऐसा है, मतलब इसमें 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी बनेगा इसमें और 120 डिग्री का भी बनेगा। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अभी इसका एग्जांपल कराऊंगी ना, तो मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल में इसका स्ट्रक्चर भी बता करके बताऊंगी, और जो एग्जांपल कराने वाली हूँ इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिविजुअल एग्जांपल पूछा गया है। ठीक, तो मैं आप लोगों को जो एग्जांपल कराऊंगी तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा, यही एग्जाम्पल एग्जाम में भी आया हुआ है। स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्ड एंगल मैंने बताया था, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लीजिएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? टोटल होता है 100, और कितने इसमें, एक एस का है, 3 पी का है और 1 डी का है, मतलब कितने डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 2 10, ये 20% एस कैरेक्टर हो गया, मतलब बाकी के 80% हमारा पी कैरेक्टर बचा इसमें। ठीक, इसको बॉक्स में कवर कर लीजिए।
फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, ट्राइंगल बाइपिरामिडल होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका एग्जांपल आता है PCL5 आएगा या PF5 आएगा, और एक एग्जांपल है XZF2। दो एग्जांपल मैं आप लोगों को करा दूंगी, PCL5 आप खुद से करिए क्योंकि ये वाला एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है, इसी से रिलेटेड ये वाला एग्जांपल भी बनता है। तो जब ये करा दूंगी तो ये एग्जांपल ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और XZF2 भी SP3D का एक एग्जांपल है, तो इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लिया करता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग PCL5 का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। हम जानते हैं फॉस्फोरस कितना होता है, फॉस्फोरस होता है 15, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है 1s2। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूरा लिखा जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसमें लास्ट वाला लिखते हैं। लास्ट वाला होता है 3s2, 3s का होता है, और यहाँ पर 3p का होगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये 3p का रहता है, और 3d का ऑर्बिटल लास्ट में। मैंने आप लोगों का अबाउ प्रिंसिपल बताया हुआ है, तो लास्ट में इसमें जो फॉस्फोरस होता है पूरा स्टार्टिंग से नहीं लिखते हैं, लास्ट के 3 ऑर्बिटल्स लेते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। ठीक, तो लास्ट में 3s2 3p3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। फॉस्फोरस का आप निकाल के देखिएगा, आप लोग अबाउ प्रिंसिपल के थ्रू फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखिएगा, लास्ट में आएगा 3s2 और 3p3 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, 3d में तो कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, उसके बाद 3d आता है ना, 0 ऑर्बिटल है। अब फॉस्फोरस का हम लोग एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे। एक्साइटेड स्टेट में हमने इसीलिए 3d को यहाँ पर 0 रखा क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कुछ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ हो जाएगा, 3d में 5 ऑर्बिटल बनता है, 3, 2, 5 ऑर्बिटल बनता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट वाला यहाँ पर जा कर के आ जाता है। फिर उसके बाद हमें क्लोरीन, 5 क्लोरीन जोड़ना है, तो लिखेंगे फॉस्फोरस पहले इसमें लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5। PCl5 में फॉस्फोरस का इसका एक्साइटेड स्टेट लिखना है। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे और यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, यहाँ पर बन गया। अब हमें क्लोरीन ऐड करना है, क्लोरीन ऐड करना है तो मतलब 5 क्लोरीन ऐड करना है, तो एक यहाँ ऐड करेंगे, पीछे से ऐड करते हैं। ठीक, हमेशा पहले यहाँ ऐड करेंगे, फिर दूसरा यहाँ ऐड करेंगे, फिर तीसरा यहाँ ऐड करेंगे, फिर चौथा यहाँ पर ऐड करेंगे और पांचवा यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 5 क्लोरीन अटैच्ड हो गया, तो इसमें लिख लीजिएगा ब्लैक पेन इंडिकेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं समझ में आते तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, मैं बहुत ही स्लोली तरीके से आप लोगों को बताती हूँ, समझाती हूँ, तो आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक, ब्लैक पेन इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, किसके इलेक्ट्रॉन हुए, क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस के साथ, मतलब क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ ऐड हो गया, तो ब्लैक पेन इंडिकेट कर रहा है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन। अब इसका जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, इसका जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मैंने बताया ना कि अभी आपको ट्रायंगल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो देखिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, ट्रायंगल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, बीच में हमारा फॉस्फोरस रहता है, ऊपर एक क्लोरीन रहेगा, नीचे एक क्लोरीन रहेगा, फिर हमारा इक्विटोरियल पोजिशन पे 3 क्लोरीन रहेंगे। इसको जो पोजीशन कहते हैं, इसको इक्विटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना, इसको कहते हैं ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना। ठीक, तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो बाकी इसको ऐसे ऐसे और इसको अंदर ऐसे जोड़ देते हैं, लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर यही हुआ कि पहले फॉस्फोरस लिखेंगे, ऊपर एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के लिखेंगे, नीचे एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और 3 जगह पे इक्विटोरियल पोजीशन पे हमारा क्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा। तो जो हमने इसमें बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, इसको लिखना भी होता है, तो आप लोग जैसे एग्जाम में आता है ना, तो इसके बारे में लिखा भी कीजिए, कैसे ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख लीजिएगा इन PCl5 टू क्लोरीन अटैच्ड, टू क्लोरीन ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। ये जो ऊपर और नीचे जो होता है, इसको हम एक्सियल पोजीशन के नाम से जानते हैं, एक्सियल पोजीशन एंड 3 क्लोरीन ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन।
दो क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, तीन क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। और मैंने बता दिया इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ट्राइंगल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, ये कुछ ट्राइंगल के जैसा है और बाईपिरामिड के जैसे, मतलब पिरामिड जैसे होता है ना ऊपर से लेकर के, कुछ ऐसा ही पिरामिड तो बनता है लेकिन वो 3D फॉर्म में बनता है पिरामिड, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल का स्ट्रक्चर हो गया। इसका एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है, और 90 डिग्री जो एक्सियल में बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और जो इक्वेटोरियल में जो एंगल बनता है 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक एग्जांपल मैंने PCL5 का करा दिया, और एक एग्जांपल और देख लीजिए इसी में का, SP3D का एग्जाम्पल हो गया, XeF2 का जिनोन, और फ्लोरिन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जो ज़िनोन होता है, ज़िनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 54, और इसके जो लास्ट के हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है वो होता है 5s2, 5p6 और 5d0। ज़िनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, उसका लास्ट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 5s2, 5p6 और 5d0 होता है। ठीक, तो हम लोग इसको आगे हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो 5s2 मतलब एक s का ऑर्बिटल बनेगा, 5s का ऑर्बिटल बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, और p6 मतलब p का ऑर्बिटल बनेगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, फिर पहले ऐसे फिल करते हैं, फिर उसके बाद लोअर स्पिन फिल करते हैं, 4 5 6, फिर डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 3 2 5, और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं तो इसमें हम फिल नहीं करेंगे। फिर इसका एक्साइटेड स्टेट में निकालते हैं, एक्साइटेड स्टेट में मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ करके यहाँ पर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3d5 हो जाएगा, 5c5 हो जाएगा और 5d1 हो जाएगा। ठीक, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग को फ्लोरीन अटैच करना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ज़िनोन इन XeF2, ठीक ये लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 5 ही रहेंगे, और यहाँ पर 1 अटैच करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा एक फ्लोरीन यहाँ अटैच होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है ज़िनोन बीच में रहता है, एक्सियल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन रहते हैं क्योंकि XeF2 है। ठीक, और लेकिन ये सिर्फ ऐसे बना देंगे तो ये लगेगा लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसमें लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये आगे का जो अभी खाली है ना, तो जब इसका स्ट्रक्चर बनता है तो ये पूरा लोन पेयर से ये कंप्लीट होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, XeF2 का होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है आप लोगों को, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, और बाकी इसका शेप लिख दीजिएगा कि पहले इसमें कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, इन XeF2 टू फ्लोरीन ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन एंड 3 लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा कि क्या होता है, ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल लिख लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल, फिर इसमें बॉन्ड एंगल भी लिख दीजिएगा। और जैसे कि अगर एक ही चीज़ आपको पूछता है कि XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन पूरा लिख के बताइए, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा अटैच्ड है वो लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल होता है, और बॉन्ड एंगल लिखेंगे, बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री और 120 डिग्री, एक्सियल पोजीशन पे 90 होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 120 डिग्री का होता है। और अगर सिर्फ एग्जांपल पूछता है तो बता दीजिएगा ये SP3D का हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो आप लोग पूरा इसको एक पेज में, दो पेज में अच्छे से पूरा प्रॉपरली अच्छे से डिफाइन करके लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है वो है SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको भी देखिएगा, इससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं, वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, एक s का ऑर्बिटल, 3p का ऑर्बिटल, 2d का ऑर्बिटल मिक्स होता है, तब जा करके हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो इसमें लिख लीजिएगा, व्हेन 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर
टू गिव कितने ऑर्बिटल देते हैं, 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज नोन एज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें, बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। इसी वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रह जाए कैसे क्या करना है, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 से याद आता है ऑक्टाहेड्रल, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर जो होता है, जब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाले इसमें, टोटल 100 होता है, 6 ऑर्बिटल हुए तो मतलब 16% हमारा एस कैरेक्टर निकल के आएगा। पी कैरेक्टर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक, कितना होगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए। 100 में से 16.6 को माइनस कर देंगे, हमारा पी कैरेक्टर भी निकल के आ जाएगा, ठीक। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देती हूँ, आप लोग उसका भी रिप्लाई नहीं देते, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा स्टडी को लेके सीरियस हो जाइए। बीएससी बहुत ही हलवा नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ ज़रूर है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़िए। मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताती हूँ बताया करिए, आप लोगों को समझ में आता भी है कि नहीं, किसी का कमेंट ही नहीं आता, किसी को पढ़ाई से लेना ही देना नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाइए, बताइए कि आप लोगों को समझ में आता है। मैं आप लोगों के लिए हर वो पॉसिबल चीज़ करने वाली हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए मेरी एक एक जो वीडियोस आती हैं, एक दिन में 2 आती हैं, 3 आती हैं, तो मैं कोर्स कंप्लीट करा दूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग भी अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया SF6 का एग्जांपल काफ़ी बार पूछा जाता है, और SF6 माइनस टू ये एग्जाम्पल हो गया, और AlF6-3 ये भी एग्जाम्पल होता है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। SF6 माइनस टू का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सल्फ़र कितना होता है, सल्फ़र का होता है एटॉमिक नंबर 16, और इसके जो लास्ट का हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है सल्फ़र का लास्ट का, वो होता है 3P4 आएगा, और 3D0, डी में कोई भी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, पी का बना लेते हैं, एक एस का बनेगा, ये 3S का बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4, ये 3P का बनेगा, और 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब सल्फर का एक्साइटेड स्टेट निकाल लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। फिर इसके बाद हमें SF6 के लिए निकालना है, SF6 के लिए हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर एक और ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो हो यहाँ जो एक्साइटेड स्टेट निकाला था, तो पहले तो मैंने बताया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर, लेकिन एक और जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर शिफ्ट होंगे क्योंकि हमें 6 फ्लोरीन की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, अगर हम जोड़ते भी हैं फ्लोरीन तो 3, 1, 4 फ्लोरीन आएगा यहाँ पर, ठीक, 4 से तो बनेगा नहीं काम। तो यहाँ पर जो होता है, ये जो एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले लिखवा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक। हमें फ्लोरीन कितना अटैच करना है उसी हिसाब से एक्साइटेड स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, ठीक। तो जब इसमें से हमारा एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, ठीक, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें फ्लोरीन जोड़ना है, फ्लोरीन जोड़ना है सबसे पहले पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4, 5 और ये 6। तो ये क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन इंडिकेट इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ फ्लोरीन के साथ ये शेयर हो रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे बनेगा, मैंने बता दिया बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बनेगा और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखिए, एक सेंटर पे हमारा होगा सल्फर, फिर एक्सियल पोजीशन पे हमारा 2 फ्लोरीन होगा, और
इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा 4 फ्लोरीन होगा। ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही इक्वेटोरियल पोजीशन बने, ये हमारा स्क्वायर भी इक्वेटोरियल पोजीशन बन सकता है। ये हमारा बन गया ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे, इन SF6 2 फ्लोरीन ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन एंड 4 फ्लोरीन ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, परसेंटेज एस करेक्टर, और ये एग्जाम्पल है SP3D2 का। तो SP3D2 एग्जाम्पल भी हो गया कंप्लीट। अब एक जो लास्ट हमारे पास बचा है वो है SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब SP3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। SP3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया एक s का ऑर्बिटल, 3 p का ऑर्बिटल, 3 d का ऑर्बिटल मिक्स होगा तो 7 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे व्हेन 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू गिव 7 न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर नोन एज SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए। सबसे पहले इसका बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। SP3D और SP3D3 का दो ऐसा उसमें हाइब्रिडाइजेशन है जिसका बॉन्ड एंगल 2 होता है, बाकी सबका एक एक होता है। ठीक, और इसमें का मैंने इसका भी बताया हुआ है शायद, नहीं इसमें का एक ही होता है, SP3D2 का एक होता है SP का और SP3D3 का, इसका दो बॉन्ड एंगल होता है। ठीक, इसका होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 7 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं तो 7 से क्या बनता है, पेंटागोनल। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताने वाली, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 7 ऑर्बिटल बन रहे हैं तो ये 14.88% हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर निकलेगा। पी कैरेक्टर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि SP3D2 का भी क्या होता है और SP3D3 का भी परसेंटेज एस पी कैरेक्टर कितना होगा। 100 में से 14.88 को माइनस कर दीजिएगा, आप लोगों का पास पी कैरेक्टर भी निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए। इसका एक एग्जांपल है IF7 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक, इसको देखिए। आई क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन कितना होता है इसका, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 और इसका लास्ट का हाइब्रिडाइजेशन होता है 5S2 5P5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले आयोडीन जो कि हो गया 53 5s2, मतलब 5s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p5 1 2 3 और यहाँ पर 5 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5p का बन गया, 5d का बन गया, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 5d जीरो कर लीजिए और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 7 फ्लोरीन अटैच करना है, उसी हिसाब से एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक पहले बना लेते हैं फिर बताती हूँ मैं। देखिए, एक तो यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर, जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो 3 रहेगा। देखिए 3 रहेगा, यहाँ से चला गया यहाँ आए, यहाँ से चला जाएगा यहाँ आएगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि हमें 7 फ्लोरीन को अटैच करना है। ठीक, तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग फ्लोरीन को जोड़ना है तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन इन IF7 में। तो ये हमारा पहले इसको एज इट इज़ बना लीजिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आई के आयोडीन के और यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बनता है तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हमें फ्लोरीन को अटैच करना है तो 1 फ्लोरीन 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसमें लिख लीजिएगा ब्लैक पेन इंडिकेट इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद फ्लोरीन एटम। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। यहाँ पर देख लीजिए IF7 का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो ये आयोडीन बीच में होता है, 2 फ्लोरीन हमारा एक्सियल पोजीशन पे होता है और
तीन जो पांच फ्लोरीन बचा तो ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे पांच फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा एक्सियल पोजीशन पे होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन में जो कम मतलब जो एंगल क्रिएट कर रहा होता है, इसमें देखिए इधर साइड दो फ्लोरीन है, इधर साइड तीन फ्लोरीन है, तो ये एंगल हमारा 72 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा होगा। तो बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, 90 डिग्री, स्ट्रक्चर पेंटागोना बायपिरामिडल, तो उसमें लिख लीजिए टू फ्लोरीन अटैच टू द ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन एंड फाइव फ्लोरीन ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ये सारी लैंग्वेजेस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ कैसे आप लोगों को हर एक चीज़ को याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स में सबसे पहले आप लोगों को एक साइड हाइब्रिडाइजेशन वाला लिख लेना है। पहले sp लिख लीजिए, फिर sp2 लिख लीजिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp3d आएगा, फिर sp3d2 आएगा और sp3d3। पहले एक साइड सारा हाइब्रिडाइजेशन लिख लेना है, फिर उसके बाद एरो बनाना है आप लोगों को, फिर एक साइड आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना है। एसपी में देखिए दो है, तो हमारा मतलब एरो से ही समझ जाइएगा कि हमारा एसपी में दो इलेक्ट्रॉन है या दो ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, sp2 है, टू दो पी की ऑर्बिटल एक एस का ऑर्बिटल मतलब तीन की बात हो रही है, तो इसमें कैसा स्ट्रक्चर बनता था, ट्राइगोनल, तीन से ट्राइगोनल प्लेनर याद रखिएगा। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और तीसरा sp3 है, तीन एक चार, चार से याद आया टेट्राहेड्रल, टेट्रा चार से टेट्रा होता है और हेड्रल याद रखिएगा। ठीक, sp3d3 का क्या हो जाएगा, sp3d का क्या हो गया, तीन एक चार एक पाँच, पाँच से, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है, 3D में हम जानते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल भी अलग होता है, तो इसका नाम भी अलग है, ट्राइगोनल। पहले यहाँ से sp2 का ट्राइगोनल लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें बाई पिरामिडल, इसका बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से तीन दो पाँच छः से याद आता है ऑक्टा, और ये हेड्रल है ना, तो बस यहाँ पर हेड्रल जोड़ देना है। फिर इसके बाद sp3d3 तीन तीन छः एक सात, इसका भी अलग होता है क्योंकि इसमें भी बॉन्ड एंगल की बात होती है, इसमें तीन बॉन्ड एंगल होता है, मैंने इसमें शायद नहीं बताया उसमें कि इसमें जो sp3d3 होता है इसमें तीन बॉन्ड एंगल होते हैं, 72 डिग्री, 90 डिग्री का भी होता है और 180 डिग्री का भी होता है। ठीक, इसको भी लिख लीजिएगा, थोड़ा एक्सेप्शन केस है, तो इसमें लिख लीजिएगा इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। अब फिर इसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा, स्ट्रक्चर लिखा, यहाँ पर लिख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर बॉन्ड एंगल। ठीक, बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है, लीनियर का 180 डिग्री होता है, ट्राइंगल से याद आइए 120 डिग्री होता है, फिर टेट्रा से मतलब ये एक्सेप्शनल होता है जिसमें कि 109 डिग्री 27 मिनट होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है 109 डिग्री 5। देखिए अगर डिग्री के टर्म में लिखा जाए, डिग्री के टर्म में लिख देते हैं, उसको नहीं याद रहता, तो 109.5 डिग्रीज का हमारा बॉन्ड एंगल होता है, जबकि इसमें का क्या होता है, इसका 90 डिग्री और 120 डिग्री होता है, ऑक्टाहेड्रल में होता है 90 डिग्री का होता है, और इसमें कितना होता है 72 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का भी होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, और जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला है आप लोगों को कि परसेंटेज पी कैरेक्टर बताना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसका ज़्यादा कमेंट होगा मैं आप लोगों का स्क्रीन शॉट लेकर के अपने पोस्ट में कम्युनिटी टैब में भी शेयर करूँगी, ताकि मैं आप लोग उन बता चुकूँ कि वही बच्चे सीरियस है पढ़ाई को लेकर के और कुछ नहीं। ठीक, आप लोग कुछ भी होता है पूछ लिया करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।